वन मिनट। ऐसा लगता कोई पीछे आया, लेकिन कोई पीछे आया नहीं है। ठीक है, तो वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक्स मैन ड्यूल इज़ नॉट ओवर इवेंट, पता नहीं कैसा इवेंट है, देखते आगे, मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ पर टेस्ट योर एक्स मैन कैरेक्टर्स इन डिमेंशन ड्रिफ्ट रैली वर्ल्ड बैटल वर्ल्ड टू शो योर ट्रू पावर्स। एंड यहाँ पर 7 डेज का अटेंडेंस कुछ इवेंट चलेगा। गोल्ड बोनस मिशन इंक्रीज अ चांस टू एक्टिव ऑडियंस ब्लेसिंग्स व्हेन कॉम्बाइंस उरुस। तो यहाँ पर ये सब चला हुआ है और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। एक्स मैन क्या डूल्स इज़ नॉट ओवर, ये इवेंट का नाम है, बड़ा अजीब इवेंट है। बैटल वर्ल्ड ओपन्स, यहाँ पर बैटल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर अलग अलग तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा, और देख लो कौन सा क्या रिवॉर्ड है। कोलोसस है, कीड़े ओमेगा है, वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर Tier 2 टिकट है, प्लस फोनिक्स फिदर है, ऊपर 6 स्टार मैथिक टिकट है, यूनिफॉर्म टिकट है, और यहाँ पर एमकन क्रिस्टल है। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे में, यहाँ पर वर्ल्ड बॉस इवेंट है और इसके अंदर 20 एनर्जी मिलने वाली है 3 एंट्रीज पे। कोई खेलेगा नहीं, सबको चाहिए CCF, तो कोई खेलने वाला है नहीं। तो कौन खेलेगा, जिसको क्विक सेलर चाहिए या फिर जिसको स्कारलेट भी चाहिए वही वो खेलेगा, बाकी तो खेलेगा नहीं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। ऑडियंस ब्लेसिंग्स कंबाइन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज इवेंट, अब इसके अंदर क्या है थोड़ा देखते हैं। इंक्रीज चांस टू एक्टिव ओडियम ब्लेसिंग व्हेन कंबाइन उरु, और ये इवेंट चालू होने वाला है 10 तारीख से, सॉरी 10 नहीं, हाँ 2 तारीख से अक्टूबर के, और एंड कब होगा ये, एंडिंग कब है, एंडिंग का दिया नहीं है। ठीक है, देखते कब होगा, जब होगा। तो इसको ये कंबाइन करने से हमें ये अलग अलग गुरु मिलेंगे, लेकिन क्या गारंटी हमें जो चाहिए वो ये एग्जैक्टली मिलेगा, और क्या गारंटी कि वो सक्सेस नहीं होगा, फेल ही होते रहेगा, कोई गारंटी नहीं। यानी हमको हमको हमारा ही पैसा देके हमको ही बेवकूफ़ बनाना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। 7 डेज अटेंडेंस इवेंट, अभी सीमेंट में अटेंडेंस के नाम पे ना तुम लोग ना बेवकूफ़ बनाते हो। अरे 7 डेज का लॉगिंग करना है, वहाँ से लॉगिंग करने के बाद में जो रिवार्ड है वो मिलेगा। सिंपलिसिटी इतना घुमा फिरा के लिखा है ना, सच में। सात दिन तक अगर कंटिन्यू लॉगिंग करते हैं तो जो 7वां दिन होगा, 7वें दिन का रिवार्ड है 100 XGen सिलेक्टर। तो ये जो सिलेक्टर है इससे हम किसी एक कैरेक्टर को बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं, 100 X-Men के कैरेक्टर में से किसी एक कैरेक्टर को 100 बायोमेट्रिक्स दे सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली 7 दिन तक लॉगिन किया, लॉगिन करके गेम ऑफ कर दिया, रिवार्ड जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद ऑफ कर दिया तो चलेगा। ये भी ट्रिक चलेगी, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स जो है अभी एग्ज़ाम चल रही होंगी, एग्ज़ाम चालू होने वाले होंगी, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो सब चलता है, तो उस सब शेड्यूल के इसमें गेम खेलना सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से लॉगिन कर दो और ऑफ़ कर दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कम से कम आपको रिवार्ड भी मिल जाएगा, एंड जो आपको चीज़ें करनी है वो आप कर भी पाओगे, कुछ 1-2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर क्लियर कर लेना, और फटाफट गेम को ऑफ करके रख देना। सिंपल, खुद पे भी कंट्रोल, गेम पे भी कंट्रोल, और अपने पढ़ाई पे भी पूरा फोकस रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसके अंदर और एक इवेंट आया हुआ है, और गोल्ड बोनस मिशन। अब इसके अंदर गोल्ड स्पेंड करना पड़ेगा तो बाकी हमें ये रिवॉर्ड मिलेंगे। सो बायोमेट्रिक्स वगैरह सिलेक्टर 5 4 स्टार से लेके 5 स्टार एनहांस उरु चेस्ट, ये बकवास हमेशा का वाला ही है और इसमें कुछ खास नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर और क्या है। स्टार एजेंट सपोर्ट सितंबर अपडेट टारगेट इवेंट, अब ये क्या चक्कर है पता नहीं, देखते बाद में। उसके बाद में यहाँ पर मेगा रैंक अप पैकेजेस, ये भी पेड पैकेजेस है। एक्समैन रैली पैकेजेस, ये भी पेड पैकेजेस है। Tier 3 पैकेजेस, ये भी पेड पैकेजेस है। पैकेजेस, अब इस पैकेजेस के अंदर क्या है, ये भी पेड ही होगा, अंदाज़ा मेरा शक सही था। ये भी लिमिट क्वांटिटी सेल वाला भी एकदम बहुत ही ज़्यादा बकवास है और पेड है। डॉलर इवेंट के बारे में जब भी बता चुका हूँ, तो जब भी का वीडियो देख लेना, मैं वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकता,
क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, वो यूट्यूब स्टूडियो बेटा की वजह से मैं ठीक से वो जो काम है वो मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब तक वो ठीक नहीं होता या फिर उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते, मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा ठीक से। हाँ, 20 डेज का चेक इन इवेंट के बारे में बता चुका हूँ, तो बस हो गया आज के लिए, बस इतना ही। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। एंड जो रिवार्ड है वो लेते रहना एंड डेली लॉगिंग करते रहना। लॉगिंग करना है, गेम को ऑफ करना है जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए, और बाकी जिनका एग्ज़ाम नहीं चल रहा लेकिन फिर भी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो और गेम को हो सके उतना, जितना हो सके उतना कम से कम खेलो। जो इंपॉर्टेंट स्टेजेस है उसी पर फोकस करो, बाकी चीज़ों को अवॉइड करो। ठीक है, धन्यवाद।